चंडोल झूट रहे हैं जी, लोग मजा ले रहे हैं पूरा। रेडियो स्पाइस रही, तुसी देख रहे हो कार्निवल चंडीगढ़, जिहड़ा सी कार्निवल लग्या। लो जी, ते चाह आए उबलदी है, बड़े खूबसूरत रंगा दिया फिशेस देखने को मिल रही हैं इस टनल दे विच। शिखर ते पहुंच गए चंडोल दे, असीं उपरों बैठ के मेला देखो, दृश्य कितना सोहना लगता। समुंदर दियाँ अलग अलग नस्लों दियाँ अलग अलग किस्म दियाँ जिहड़ियां फिशेस ने वो इत्थे रखी हुई ने इस कार्निवल दे विच। सूट भी ने लाए औरतों वास्ते, लेडीज़ कहते सूटा तो बिना नहीं रह सकती हैं, इस करके मेले च उन्होंने सूटा नू खास थां दित्ती हुई है। किचन की क्रॉकरी है, पकौड़े भी तले जा रहे जी बच्चे मेले दे। खाण पीण दीआं चीज़ां ना होण तां मेला अधूरा हो जांदा। सत श्री अकाल जी, रेडियो स्पाइस देखते सारे दोस्तों का मैं स्वागत करदा। दोस्तों, अक्सर असीं तुहानू राजनीतिक मुद्दिआं दे उत्ते गल्लबात तुहाडे नाल करदे रहिंदे आं, पर अज जिहड़ा असीं तुहानू लै के आए हाँ वो है चंडीगढ़ दे विच सैक्टर 34 च लग्गिआ सी वर्ल्ड कार्निवल। इस कार्निवल दे विच खास जिहड़ा खिच दा केंद्र बणिआ है अंडर वाटर फिश टनल बणी हुई है। तुसीं उस टनल च जांदे तो आले दुआले तुहाडे मच्छियां जिहड़ियां दिखदीआं ने। इस तों बिना बच्चिआं दे खेडण लई बहुत सारे झूले अलग अलग तरहां दे लगे हुए आ, बणे हुए आ। ते आओ अंदर, आपां टिकटां लै लईआं ने, 30 रुपए मात्र टिकट है इस मेले की। टिकटा लै लिया तो आप आनंद लैन चल रहे हैं इस मेले का। आओ तुम भी मेरे नाल अज देखते हैं फिश कार्निवल, सी कार्निवल। बाहर तो शार्क फिश का जोड़ा पोस्टर लगे हुए हैं, अंदर बढ़ने लिए जो रास्ता बनाया है वो भी शार्क फिश के मूँह के एंट्री हो रही है। 24 घंटे खुला जी, टाइमिंग 1 बजे तो लैके रात के 10 बजे तक भी लिखी हुई है। नाल हजारां लोग इस कार्निवल दे विच आए हुए आ। वाह जी वाह, क्या नज़ारा, बहुत ही सोहनी क्रॉकरी अगे लगी हुई है, तो बच्चों के खेलने लई झूले बने हुए हैं। एक मार्केट भी अंदर वसाई हुई है इन्होंने पूरी दी पूरी कार्निवल दे बहाने नाल। पहले समय जी जदों मंडियां शुरू हुई ने उदों कहिंदे मेलिआं दे रूप दे विच शुरू हुई ने, मेले लगते होंदे सी मेले दे उत्ते, क्योंकि आम बाज़ार नहीं सी हुंदे पिंडां च, ते जिहड़े दूर दराडे दे व्यापारी सी उह जदों किसे निश्चित खिते दे विच मेला लगदा सी उस मेले च अपनी चीज़ां लै के बेचदे सी। उसे मेले का सुधरिया हुआ रूप तुसीं देख रहे हो, ये कार्निवल जिहड़ा मेला लग्या होया के अलग अलग किस्म दीआं वरायटियां जिहड़ियां इत्थे देखण नूं मिलदीआं ने। लो जी, अंडर वाटर टनल की टिकट है जी 150 रखी हुई है। पहला तो एंट्री की 30 रुपए टिकट सी, हम जी अंडर वाटर जाना तो 150 रुपया टिकट वो है। खूबसूरत रंगा दिया फिशेस देखने को मिल रही हैं इस टनल दे विच। समुंदर दिया अलग अलग नस्लों दिया अलग अलग किस्म दिया जिहड़ियां फिशेस ने वो इत्थे रखी हुई ने इस कार्निवल दे विच। बलिहारे जाइए किस तरीके नाल अलग अलग जानवरों के रंग ने जिहड़े वो बन गए। चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज दे विच इन्हां बारे काफ़ी चर्चा जिहड़ी की गई है कि किदां आपदे बचाव वास्ते और शिकारा नूं वध तों वध अट्रैक्ट करन लई अलग अलग तरह के रंग जिहड़े डिवेलप होए। टेट्रा विंडो बी झींगा मच्छियां दिख रही ने, बहुत सारे क्रैब
ऑस्कर एल्बिनो टाइगर फिश, बहुत ही खूबसूरत रंग ने। हैरानी होंदी है इन्हां कुदरत दे इन्हां रंगां नूं देख के। रेडियो स्पाइस रही तुसीं देख रहे हो कार्निवल चंडीगढ़, जिहड़ा सी कार्निवल लग्या। बापू फिश अल्बिनो बापू, ये अलग तरह की फिशिज ने जिहड़ियां दीवारां ते चिपकियां होईयां ने, जिस तरह छिपकली चिपकी होंदी है। बहुत ही ज़्यादा महीन छोटी छोटी फिशिज ने, बिल्कुल अपने नौ परजनियां फिशिज ने। पूंग नहीं है ये फिश की नस्ल है, इदा की जी इन्नी छोटी होंगी है। न्यून टैट्रा फिश भी जिम्मे छिपकली वाग कंधा उत्ते चमकी दीवारों से चिपक जाती है, शीशे से चिपकिया हुई ने। टैट्रा विटो बी फिर तो अलग अलग किस्म दिया अलग अलग रंगा दिया खूबसूरत दिल खिचवे रंग कुदरत ने भरे इन मच्छियों के। क्रैब बने हुए ब्लैक मोरे टू एल्बिनो रेनबो, इन्ने नाम ने फिशिज के, कुदरत दी इस कायनात तो बलिहारी जांदा दिल। येलो मोर बच्चे बड़ा मजा कर रहे हैं, अलग अलग तरह दिया फिशिज नू देख के बड़े खुश होंदे बच्चे। धर्म ग्रंथां च वैसे 84 लाख जूनी उन्हां समय च लिखी गई सी, जदों इन्नियां खोजां समुद्री जीवन ते नहीं सी होईयां, पर हुण लगदा वी कितें 84 लाख तो भी कितें ज़्यादा ही होणियां। कलर ग्लास फिश दा नाम ही दसदा, फिशिज भी इदां दियां नेगियां, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ने, विच थोड़ी थोड़ी जगह दे उत्ते जिहड़ा कलर आ रहा। ये थोड़ा थोड़ा कलर ना होंदा तो शायद ये दिखनियां भी नहीं सी। ऑस्कर टाइगर फिश है जी, बिल्कुल जिस तरह आर्मी की वर्दी होंदी है उस तरह का कलर, जिस तरह का आर्मी की यूनिफॉर्म होंदी है यूनिफॉर्म वर्गा बिल्कुल कलर है इस फिश का। गोरा एम, नाम गोरा एम रखिया, वैसे वाकई गोरिया ने बहुत मच्छियां। पंजाबी च अपने चिट्टे बंदे नूं गोरा कह दिंदे, भी चिट्टियां ने। एलीफेंट नोज देखो, ये जिस तरह हाथी का सुंड होंदा मूहरों, इस तरीके ना थोड़ा जिहा इहदा नोज उदां दा आया, इस करके इहदा नाम भी एलीफेंट नोज रखा है फिश का। रेड टाइगर, टाइगर इन्हां दे नाम नाल शायद तां जुड़ जांदा जदों लाइनां होंदियां इन्हां दी कलर्स दियां अलग अलग। ये बहुत बरीक जी नौ जिन्नी क मच्छी है, जे तुसीं स्क्रीन ते देख पा रहे हो। पाकू रेड टेल कैट, कैट वांगू इहदे नक दे उत्ते मुच्छां लगियां हुई, इस करके शायद इहदा नाम रेड टेल कैट रखता इन्हां ने। ग्रीन टाइगर, ग्रीन कलर दे विच ब्लैक कलर दे धारियां बनियां हुई ने इन्हां मच्छियां ते। कोई फिश बिल्कुल वाइट कलर दी है, पूरा चमकीला वाइट, वाइट कलर तो चमक आ रही है अलग ही तरह की, जिवें संगमरमर तो आती है।
लो जी अगे टनल आ गई है। टनल का नजारा भी बड़ा खूबसूरत है, क्रोकोडाइल नस्ल दियाँ मछियां लगदियां ने, क्योंकि इहदा मूंह बिल्कुल क्रोकोडाइल वांग बनिया है, तिखे दंद भी दिख रहे हैं। आ फिश दा साइज सब तो बड़ा साइज है इत्थे इस टनल दे विच, तकरीबन होनी आ 3 फुट लंबी फिश होनी है। टनल तो बाहर आउंदे ही फिर अगे बच्चों के खेडण लई अलग अलग तरह के झूले लगे हुए आ, जिहड़े अक्सर मेलियां ते आपां नूं देखण नूं मिलदे हुंदे आ। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है इस मेले का। और एक टिकटां बहुत ज़्यादा सी, जो फिश टनल बनाई हुई है 150 रुपए टिकट जायज़ नहीं। किन्नी टिकट है जी, किन्नी टिकट लेने हो? 50 की 6। 50 की 6। ला जी न्याणा दा मोटरसाइकिल चलाउण दा शौक पूरा कर रहे, मूंह नाल आवाजां कढ कढ के। असीं भी छोटे हुंदे साइकिल दा टायर भजाउंदे, मूंह नाल आवाजां कढदे फिरी जांदे सी, पर हुण समां बदल गया, हुण टायर भजाउण दी लोड़ नहीं इहनां नूं। शाम के टाइम इदा मेले चाण का मजा ही अलग है। सताई तरीक न छपार का मेला भी आ रहा, पंजाब के सब तो वह मकबूल मेलिया चो छपार का मेला एक है। एक छपार का एक जरग का, जरग का मेला भी है जो गुलगुले बनते हैं, वह भी बड़ा मशहूर है पंजाब दे विच। गीत भी आया सी, चल चलिए जरग दे मेले नी मुंडा तेरा मैं चक लूं। एक कुल्लर नू रख देंदे आ तंदूर दे विच, ते बाद विच उहदे विच पाउंदे आ चाह, ते उह जदों ही उस कुल्लर दे विच चाह पाउंदे आ ते चाह उबलन लग जांदी है। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਢਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੁੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖ। ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਚਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਐਂ ਉਬਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁੱਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੇ, ਪਰ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੇਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਤਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੂਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਨਿਆਣੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਹ ਬਣਾਵਟੀ ਟਿੱਬੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ
क्योंकि डिवेलप तो आप बंदर तो ही हुए हैं ना, छाला मारनी साडा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बच्चा पार्टी तैयार है। तो तुम देखिए अज की वीडियो के मेला, जल्द ही मिलेंगे किसी होर खास वीडियो के नाल, तद तक मैंने दो इजाजत, धन्यवाद।